नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फरीद अहमद। गुलहरिया थाने की पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान तेज प्रताप साहनी पुत्र उदय चंद साहनी निवासी भेलिनपुर महाराजगंज थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा रविन्द्र निषाद पुत्र बब्बन निषाद निवासी महाराजगंज टोला सेवई थाना गुलहरिया गोरखपुर, तीसरा कमलेश चौहान पुत्र झीनक चौहान निवासी सियारामपुर टोला देंदार थाना गुलहरिया गोरखपुर, चौथा दीपक यादव पुत्र केदारनाथ यादव निवासी रघुनाथ टोला मिर्चाइन थाना गुलहरिया गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 4 देसी तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस को बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि शिवशक्ति गैस एजेंसी के 13 फरवरी 2022 को हुई लूट की घटना के अनावरण के समय यह बात प्रकाश में आई थी, जिस पिस्टल का प्रयोग लूट की घटना में किया गया था उसे तेज प्रताप साहनी द्वारा अभियुक्त अनिरुद्ध को बेचा गया था। पकड़े गए अभियुक्त तेज प्रताप साहनी द्वारा बताया गया है कि अपने सह अभियुक्त रविन्द्र निषाद कमलेश चौहान के साथ मिलकर अभियुक्त वीरू सिंह उर्फ हर्ष सिंह पुत्र जयचंद सिंह निवासी शेखपुरवा थाना चिलवाताल गोरखपुर से संपर्क कर अवैध असलहों को प्राप्त कर लोगों को बेचा जाता है, जिसके क्रम में एक पिस्टल कारतूस दीपक यादव पुत्र केदारनाथ यादव निवासी रघुनाथपुर टोला मिर्चाइन थाना गुलहरिया गोरखपुर को व एक पिस्टल अनिरुद्ध पुत्र राधे निवासी थाना ठाकुरपुर नंबर 2 टोला बोहा थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर को विक्रय किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये कल गुलहरिया पुलिस द्वारा 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 4 तमंचे बरामद किए गए हैं। इनमें से एक तेज प्रताप नामक जो अपराधी है, वो पूर्व में जो गैस एजेंसी में लूट हुई थी उसमें असलहा सप्लाई करने में इसका नाम आया था। उसकी लगातार खोजबीन की जा रही थी, तो उसकी गिरफ्तारी के साथ ही ये 4 लोगों की 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये असलहा सप्लाई करते हैं और जो भी जिसको असलहे की आवश्यकता होती है तो व्हाट्सएप पर पहले फ़ोटो भेजते हैं और वो पसंद आने के बाद उसको पैसा लेकर के उसकी डिलीवरी करते हैं। सर, क्या पता चला था असलहा लाते हैं? ये इनका जो अभी तक का स्रोत पता चला है तो ये वीरू सिंह नामक एक व्यक्ति है जो कि मोहरीपुर का रहने वाला है। इस समय वर्तमान समय में जेल में है, एक गोलीकांड में ये जेल में गया था, तो उसी को अपना ये मुख्य कर्ता धर्ता बता रहे हैं। इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड वीरू सिंह की ली जाएगी और उसके आधार पे उनसे रिकवरी की जाएगी और पूछताछ किया जाएगा कि कहां से वो किस तरह से इस ये पूरा गिरोह संचालित करते हैं। क्या ये वीरू जो पकड़े गए तस्कर क्या अन्य प्रदेशों में भी सप्लाई करने का? ये बिहार से लाने की बात प्रकाश में आई है, अब इसकी छानबीन की जाएगी और जैसा भी इसमें वास्तविकता होगी कार्रवाई। नहीं, अभी तो ये बात प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन जो पूर्व गैस एजेंसी वाली लूट है उसमें असलहा के द्वारा